Hey, what's up guys, welcome back to my YouTube channel माया ब्यूटी एंड ब्लॉग। सो आज के वीडियो में आपके साथ Amazon हॉल वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो इस बार जो मैंने प्रोडक्ट्स लिए है उसमें कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट है और कुछ एसेसरीज है, तो मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो कंसीलर है, तो ये आप देख सकते हैं, ये इनसाइड का कंसीलर है। तो इसमें इसका जो मतलब करेक्टर का जो शेड है ना, वो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, इसमें इसका शेड नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको खोल के दिखा दूंगी। तो ये जो है ये मेड इन इंडिया है। तो आप जो देख रहे हो ना कवर में, एक ऐसे में भी आता है, बट हमने जो लिया था उसमें सारे के सारे करेक्टर हैं। तो इसमें आपको 6 शेड मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ग्रीन, येलो, पर्पल, ब्राउन, डार्क ब्राउन, ऑरेंज, मतलब 6 के 6 कलर मतलब करेक्टर मिल रहे हैं। तो ये बेसिकली हमने ये ऑरेंज और ब्राउन के लिए ही लिया था। तो आपको इसमें बाकी भी मिल जाएगा, जिसमें आपको ये कलर्स नहीं मिलेंगे, आपको ये ब्राउन के शेड में हल्का हल्का कलर मिलेगा कंसीलर का। तो हमें ये सारे के सारे कलर्स चाहिए था, इसलिए मैंने लिया ये। तो इसका जो प्राइस है वो 190 है, बट इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो भी 190 ही लिखा हुआ है। तो इसमें कुछ डिस्काउंट नहीं मिला है, तो ये जितने का था उतने का ही मिला है। तो पहले मैं आपको सारे के सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं एसेसरीज दिखाऊँगी। तो जो मैंने नेक्स्ट लिया है वो है ये आईलाइनर। तो इसको मैंने अभी लगा के रखा हुआ, आप देख सकते हो मैंने यही आईलाइनर अप्लाई किया है। तो ये मेबलिन का लाइनर है, तो इसमें लिखा हुआ न्यू लास्टिंग ड्रामा जेल आईलाइनर। तो मेरे पास और एक जेल आईलाइनर है, बट वो जो है वो APK का है। तो इसका मैंने रिव्यू देखा था और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सबने बोला था ये स्मच प्रूफ है और मतलब ये जल्दी निकलता भी नहीं है, तो उसके लिए मैंने ये लिया था ट्राई करने के लिए। तो अभी मैंने यही लगाया और सही में मैंने इसको एक दो बार भी लगाया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने लगा रखा, यूज़ किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसको यूज़ किया है। तो इसको लगा के मैंने मतलब पानी से भी ट्राई किया इसको निकालने के लिए, मतलब डायरेक्टली पानी डालते हो तो ये नहीं निकलता है, ना ही स्मच होता है, लेकिन आप अपने हाथों से मतलब जोर जोर से रब करोगे तो निकलेगा, लेकिन ऐसे नॉर्मली करेंगे तो नहीं निकलता है। तो अगर आप इसका अलग से रिव्यू वीडियो देखना चाहते हो तो मैं आपके लिए बना दूंगी। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको ऐसा छोटा सा इसका ब्रश टाइप में मिल जाता है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप में। तो अभी मैं इसका प्राइस बताती हूँ, ये 325 का लिया था मैंने ऑनलाइन। तो इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 500, इसका ओरिजिनल प्राइस 500 लिखा हुआ है, लेकिन इसको मैंने 325 में लिया है। तो उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट लिया है वो है सुगर कॉस्मेटिक का। तो ये जो है ये प्राइमर है, तो ये प्राइमर मैं कब से यूज़ करना चाहती थी और मैंने इसके बारे में बहुत सारे रिव्यूज़ भी देखे थे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको ट्राई करूँ। तो ये जो प्राइमर है ये कुछ इस टाइप में है। तो इसका जो प्राइस है वो 719 है, मैंने इसको 719 में लिया है, बट इसका ओरिजिनल जो प्राइस है, इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 799 लिखा हुआ है। इसका ओरिजिनल प्राइस 799 है, बट मैंने इसको 719 में लिया था। तो उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट लिया है ये वो फॉल्स लेसेस है, बट यहाँ पर इसका कोई ब्रांड नहीं दिखा रहा है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि थोड़ा ये हैवी था, तो मुझे ये ट्राई करना था। आप देख सकते हो इसमें 6 का पैक मिल जाता है आपको। तो इसका जो प्राइस है वो है 276, आपको 276 में ये 6 पेयर्स मिल जाएंगे। और इसका यहाँ पे जो ओरिजिनल प्राइस लिखा हुआ है वो 600 लिखा है, तो अब पता नहीं 600 का है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे बैक साइड में इसका प्राइस वही लिखा हुआ है। तो जो मैंने नेक्स्ट लिया है वो सीरम है, तो आप ये देख सकते हैं स्ट्रिक्स का सीरम है। तो मैंने इसका जो क्वांटिटी है वो लिया था 100 ml, तो ये भी 100 ml का था, तो मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए मैंने इसको बड़ा ही लिया। आप चाहे तो छोटा वाला भी ले सकते हो, तो आपको 50 ml वाला भी मिल जाएगा, बट वो इतना छोटा सा रहता है, तो बार बार लेने से अच्छा एक ही बार में ले लो, वो ज़्यादा आपको सस्ता पड़ेगा। तो इसको मैंने लिया था 196 में। तो इसका जो प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है वो 230 है, ये 230 का था, बट इसको मैंने जब लिया था तो ये मैंने 196 में लिया है। तो ये सीरम बेस्ट है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, आपको ये सिर्फ 196 में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स ले रही हूँ इन सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट लिया है वो इसमें आया था, तो ये जो था ये पैक 3 पैक में था, मतलब आपको ये सिंगल में नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये वेट वाइप्स है, तो ये आपको मतलब 3 में मिलेंगे, ऐसे सिंगल नहीं था और फिर मेरे वेट वाइप्स सारे ख़त्म हो गए थे। तो ये आपको 70 का एक मिलेगा, तो बट वहाँ पे आपको ऑप्शन में एक नहीं है, आपको मतलब मिनिमम 3 तो लेना ही है। और फिर मैं इससे पहले जो हिमालय का यूज़ करती थी वो मुझे 270 में 72 मतलब वेट वाइप्स मिल जाते थे,
तो ये जो है इसमें आपको एक में 30 मिलेंगे, तो एक 70 का है, तो आपको ये तीनों के तीनों 210 में मिल रहे हैं, और ऊपर से इसमें आपको 90 वेट पाइप्स भी मिल रहे हैं, क्योंकि एक में 30 है तो तीनों का देखेंगे तो 90 हो जाएगा, तो मतलब उससे तो इसी में फ़ायदा था, इसलिए मैंने तीनों ले लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेकअप रिमूव करने के लिए। आप जब भी इसको लो ना, तब इसका क्वांटिटी चेक कर लेना, ये आपको एक नहीं मिलने वाला है, तीन ही मिलेगा, और ये मिनीसो का है, तो इसका जो फ्रेग्रेंस है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिए थे वो इतने ही थे, तो जैसे कि मैंने कहा मैंने एसेसरीज भी लिया, तो अभी मैं आपको वो एसेसरीज दिखाती हूँ। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट लिया है वो है जूड़ा, तो ये मैंने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा बड़ा आएगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये थोड़ा इतना छोटा होगा, तो आप ये देख सकते हो। तो ये पैक में था दोनों, मतलब सिंगल सिंगल भी आपको मिलेगा, लेकिन मुझे ये पैक में दोनों थोड़ा सस्ते में मिला, तो इसलिए मैंने इसको लिया। तो आप देख सकते हो ये मुझे लगा था ना कि मतलब इसका जो सर्कल है थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लेकिन ये उतना बड़ा नहीं है, नॉर्मल ठीक है, लेकिन मैंने जितना बड़ा सोचा था उतना नहीं है ये। तो इसका जो प्राइस है वो मैं आपको बता देती हूँ, तो इसका जो प्राइस है वो 379 है, तो ये 379 में मैंने लिया था, तो ये आपको दोनों ही मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो ये इतना है, ऐसे करूँगी तो आपको ये बड़ा ही लगेगा, लेकिन ये इतना बड़ा भी नहीं है, मतलब नॉर्मल ही है। तो जब मैंने इसका पिक देखा था तो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा लगा था, बट ठीक ही है। तो आपको ऐसा नेट मिल जाता है, आपको बस अपने बालों में ऐसे जूड़ा बना के ऐसे डालना है और ये लगा लेना है। तो जो मैंने नेक्स्ट लिया वो बैंगल्स है, तो आप देख सकते हो ये एक ब्लू है और जो दूसरा है वैसे गोल्ड में था, तो ये मैंने गोल्ड में इसलिए लिया क्योंकि ये पूरा प्लेन ब्लू में था, तो ये मैंने अलग अलग लिया है दोनों, ये एक साथ नहीं था। तो इसमें मैं आपको पहले साइज़ बता देती हूँ, ये 2.4 है, तो वहाँ पे आप देखना आपको साइज़ लिखा हुआ होगा 2.2, 2.4, 2.8 करके, तो उसी के लिए फिर मैंने ये भी 2.4 लिया, तो दोनों मैंने 2.4 लिया साइज़। तो आप सोच रहे हो कि 2.4 में क्या बोल रही हूँ, तो ये बैंगल का साइज़ है इनका, मतलब कितना इंच का, तो ये 2.4 है, तो आप अपने साइज़ के हिसाब से ले सकते हो, वहाँ पे आपको 2.8 और 2.8 तक मिल जाएगा साइज़ से। तो मैंने 2.4 लिया, तो मेरे हाथों के साइज़ के लिए ठीक है, आपको 2.2 भी मिल जाएगा इससे और थोड़ा सा छोटा, बट ये एकदम परफेक्ट है मेरे हाथों के लिए। तो सेम ये भी वही है, 2.4 ही है इसका साइज़। तो ये दोनों को मैंने मतलब ऐसे कंबाइन करने के लिए लिया था, मतलब ये अलग अलग लिया है, लेकिन मैंने सोचा था जब मैं इसको लगाऊंगी तो दोनों को मिक्स करके लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने ये गोल्ड में लिया। आपको इसमें बाकी कलर्स भी मिल जाएंगे, ये गोल्ड मतलब जो इसका मेन है वो तो वही रहेगा, लेकिन जो अंदर का गोल्ड है ना वो आपको अलग अलग कलर में मिल जाएंगे, और इसमें भी आपको बहुत सारे कलर मिलने वाले हैं। तो आप देख सकते हो इसमें आपको 48 मिल जाएंगे, ये जो बैंगल्स है ना ये 48 है, और इसमें भी साइज से आपको 48 मिलने वाले हैं। तो इनका मैं पहले आपको प्राइस बता देती हूँ कितने कितने में लिया है मैंने इसको। तो ये जो है ब्लू वाला ये मैंने 295 में लिया, और जो गोल्ड वाला मैंने आपको दिखाया था वो 399 400 में लिया है, तो वो 400 का है और ये 295 का। इसमें आपको बाकी कलर्स भी मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए, तो जैसे कि मैंने कहा अच्छा हो मैंने 2.4 मतलब ले लिया, 2.2 लेते तो साइज से वो घुसता भी नहीं, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो इन दोनों को मैंने एक साथ लगाने के लिए लिया था, तो मैं आपको ये भी खोल के दिखा देती हूँ। क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है दोनों का, तो ये लटकन था बोल के मैंने लिया क्योंकि ये लटकन बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, आप देख सकते हो ये लटकन के लिए ही मैंने लिया है। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो दोनों उतने ही साइज का, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, आप देख सकते हो। ये भी 2.4 ही है और ये भी 2.4 ही है, लेकिन कंपेयर करें दोनों को तो ये थोड़ा सा छोटा है और ये थोड़ा सा बड़ा है। तो इतना ही है जो मैंने लिया है अभी, तो आगे मैं और भी लूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ अभी लेना है, तो मैं जो जो लूँगी उन सब का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन सब में से कौन सा ज़्यादा पसंद आया, और जैसे कि मैंने कहा इन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर लीजिएगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।